मिट्टी में हैं तो वहां से हट जाएं। लंबे और ऐसे पेड़ के नीचे शरण न लें जो इकलौता हो। पानी में हो तो किनारे पर पहुंचे। नंबर दो, अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो फौरन डॉक्टर की मदद मांगिए। ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नंबर तीन, अगर किसी पर बिजली गिरी है तो फौरन उनकी नब्ज जांचें और अगर आप प्रथम उपचार देना चाहते हैं तो जरूर दें। बिजली गिरने से अक्सर दो जगहों पर जलने की आशंका रहती है, वो जगह जहां से बिजली का झटका शरीर में प्रवेश किया और जिस जगह से उसका निकास हुआ, जैसे पैर के तलवे। नंबर चार, ऐसा भी हो सकता है कि बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियां टूट गई हों या उसे सुनना या दिखाई देना बंद हो गया हो, इसकी जांच जरूर करें। नंबर पांच, बिजली गिरने के बाद तुरंत बाहर ना निकले। अधिकांश मौतें तूफान गुजर जाने के 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से होती है। नंबर छह, अगर बादल गरज रहे हो और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है। ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं। अपने हाथ घुटने पर रख लें और सर दोनों घुटनों के बीच। इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से कम संपर्क होगा। नंबर सात, छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। धातु के जरिए बिजली आपके शरीर में घुस सकती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है कि कैसे 15 साल की एक किशोरी पर बिजली तब गिर गई जब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। नंबर आठ, यह मिथक है कि बिजली एक ही जगह पर दो बार नहीं गिर सकती। दोस्तों, हम और आप हंसी मजाक में न जाने कितने चाहे अनचाहे मैसेजेस शेयर कर देते हैं परिवार और दोस्तों में, तो क्यों ना इस मानसून अपने अपनों की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को भी शेयर करें और इस बरसात के मौसम को सुरक्षित बनाएं, है कि नहीं। अगर आपने भी कभी बिजली गिरने की घटना को करीब से देखा है या आपके साथ ऐसा कुछ घटा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।